स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक में इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आपके खाते तक पहुंचाया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे परसेंटेज को कैलकुलेट करके यहाँ पे आपके खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो इस वीडियो में आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हो, चाहे वो किसी भी कोई भी बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी तरह का कोई भी बैंक हो, सभी में एक ही तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट किया जाता है। और आपके यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट में आपके जितने भी बैलेंस होता है उसके अनुसार आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे बैंकों में जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है वो किस तरीके के मंथ को यहाँ पे मैनेज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक अमाउंट ले लेते हैं कि आपके यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है उसमें यहाँ पे 20,000 यानी कि 20,000 आपने जमा किया है सेविंग बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट का जो मंथ होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने बैंक का जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है वो हर एक बैंक का अलग अलग परसेंटेज होता है। कुछ बैंक का यहाँ पे 4%, कुछ बैंक का यहाँ पे 3%, किसी किसी बैंक में 2% भी यहाँ पे सालाना इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का जो मंथ होता है, जैसे कि यहाँ पे आपके अकाउंट में 20,000 यानी कि 20,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वार्टरली बेसिस यानी कि 3 मंथ में मिलता है तो उसे हम क्वार्टरली कहते हैं बैंक की भाषा में, और वैसे हम यहाँ पे 3 मंथ बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि तो यहाँ पे मंथली, तो मंथली मिलता नहीं है। दूसरा यहाँ पे 3 मंथ में मिलता है उसे हम यहाँ पे क्वार्टरली कहते हैं, और जो यहाँ पे तीसरा मिलता है वो है एनुअल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट रेट होता है, परसेंटेज होता है, वो एनुअल के हिसाब से बनाया जाता है, लेकिन बैंक हमें क्वार्टरली प्रोवाइड करता है यानी कि 3 मंथ में प्रोवाइड कर देता है हमारे बैंक अकाउंट में। तो उसका जो मंथ होता है, जैसे यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 1 जनवरी को यहाँ पे 20,000 आपने अगर अपने बैंक में जमा किया है या फिर जितने भी हो, तो यहाँ पे 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, पूरा फरवरी जाएगा और यहाँ पे लास्ट में 31 मार्च यानी कि मंथ का लास्ट डेट तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया, यहाँ पे पूरा 3 मंथ कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो अगला मंथ आएगा अप्रैल, उसमें आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपको जो अगला मंथ आता है उसमें आपको यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जितने भी आपके बैंक में बैलेंस होगा और आपके जो भी बैंक में जितने परसेंट का इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा उससे कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। तो गाइस जिस तरीके से यहाँ पे मंथ कैलकुलेट होता है, अब मैं आपको अपना इंटरेस्ट रेट दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मुझे जो इंटरेस्ट मिला है पिछले मंथ 8 अगस्त को मिला है 315 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अभी तक इंटरेस्ट रेट नहीं मिला है इसका, जो अगले मुझे 3 महीने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे 8 अगस्त को प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पे पूरा अगस्त जाएगा, फिर यहाँ पे सितंबर ख़त्म होगा, फिर यहाँ पे अक्टूबर ख़त्म होगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे नवंबर के मंथ में इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अब बात करते हैं कि बैंकों में जो परसेंटेज होता है कि 4% के हिसाब से, 3% के हिसाब से, 2% के हिसाब से, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए जैसे मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट है SBI में, और यहाँ पे एक बैंक ऑफ इंडिया में, और यहाँ पे एक और है कि पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको SBI में आपको मिल रहा है यहाँ पे 3% के हिसाब से, और आपको यहाँ पे मिल रहा है बैंक ऑफ इंडिया में आपको मिल रहा है 2.7% के हिसाब से, और आपको यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में मिल रहा है 4% के हिसाब से। तो यहाँ पे जितने भी ये परसेंटेज होते हैं वो आपको एनुअल मिलता है। एनुअल मतलब कि सालाना, एक साल में आपको अगर 20,000 रुपये अगर आपने पूरा अपने बैंक अकाउंट में एक साल तक रखा तो आपको यहाँ पे 20,000 का 4% मिलेगा, ठीक है। 20,000 का 4% मिलेगा, या फिर जिस भी बैंक में हम रखेंगे उसका जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, जितने परसेंट, उस हिसाब से आपको मिलेगा एक साल में। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस यानी कि 3 मंथ का कैसे निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो बैंक अकाउंट में है कितना, 20,000, 20,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे SBI में अकाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे SBI का जो यहाँ पे सालाना एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो है 3%। तो यहाँ पे 3% ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से 100 से डिवाइड करेंगे। अभी देखते जाइए, इसके बाद यहाँ पे और भी प्रोसेस है, उसके बाद यहाँ पे 2 जीरो हम ऐसे काटेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी आएगा, उसके बाद यहाँ पे हम 3 × 2 = 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 600 रुपये। तो यहाँ पे ये जो 600 रुपये है वो हमारा क्या है, वो एनुअल है, यानी कि अगर आप एक साल रखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में
20,000 रुपये, और आपको यहाँ पे 3% के हिसाब से अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है तो आपको यहाँ पे एक साल में 600 रुपये मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि 3 महीने में हमें प्रोवाइड किया जाता है, तो 3 महीने के निकालने के लिए हम यहाँ पे 600 रुपये को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक मंथ के निकलेगा। उसके बाद 3 मंथ को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको सिंपल करेंगे कि कितना होता है, 12 × 5 = 60, तो 5 और इतना 50 आ गया, ठीक है। यानी कि एक मंथ का अगर आप यहाँ पे 20,000 रुपये SBI के बैंक में 3% के हिसाब से सालाना एनुअल रेट इंटरेस्ट रेट, तो आपको यहाँ पे एक मंथ में कितना मिलेगा, 50 रुपये। अब यहीं पे अगर यहाँ पे क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ में मिलता है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 5 दिया कितना होता है, 15, यानी कि आपको अगर तो यहाँ पे हो जाता है 150 रुपये। तो यहाँ पे अगर आप SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 20,000 रखते हैं, वो भी एक साल, वो भी 3% के हिसाब से अगर आपको बैंक प्रोवाइड करता है, तो आपको यहाँ पे 3-3 महीने में 150 रुपये आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्या है कि अलग अलग बैंकों में यहाँ पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, तो निकालने का जो तरीका है वो यही है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे अगर बैंक ऑफ इंडिया का लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 की जगह 2.75 लिखेंगे। अगर हमें मुझे यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4% लेंगे, या फिर 4.25, या फिर जो भी परसेंटेज हो वो बैंक के हिसाब से। इसे अगर परसेंटेज कितना परसेंट का इंटरेस्ट अब कौन से बैंक में दिया जा रहा है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं आपको, या फिर आपको बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि आपने पूरा बैंक का इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपने सीख चुका होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे बैंकों में इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से और वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।